उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पेश पर लखनऊ के व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों ने कहा है कि इस बजट में सरकार ने सीधे तौर पर व्यापारियों को कुछ भी नहीं दिया, जो कि व्यापारियों की अपेक्षा के विपरीत रहा। प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापारी स्वास्थ्य बीमा और व्यापारी पेंशन योजना, बाजारों के लिए सीसीटीवी कैमरा योजना शुरू किए जाने की उम्मीद थी। आइए सुनवाते हैं कि बजट पर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट का आज सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूत और विकास के पथ पर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लगातार 1 ट्रिलियन जो योगी आदित्यनाथ का सपना है उसे पूरा करते हुए लगातार उत्तर प्रदेश काम कर रही है। और जो उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। हम कुछ व्यापारी वर्गों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जो उत्तर प्रदेश का यह बजट आया है सबसे बड़ा बजट है, उस बजट को ये व्यापारी वर्ग किस तरीके से देखता है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का यह बजट आया है 7 लाख करोड़ के आसपास है, व्यापारी वर्ग इसे कैसे देख रहा है? देखिए, जब पूरे बजट में व्यापारी का नाम ही नहीं लिया तो व्यापारी वर्ग इसको देखेगा क्या? बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इतने बड़े बजट को पेश करने के लिए उन्होंने व्यापारी का नाम भी नहीं लिया। सरकार तो कह रही है ऐतिहासिक बजट है, जो व्यापारी वर्ग भी बढ़ेगा और जो उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। सरकार जो कुछ भी पेश करती है वो ऐतिहासिक ही होता है। हर चीज़ ऐतिहासिक होती है, हर मिनट उनका ऐतिहासिक होता है। ये भी ऐतिहासिक ही है, हकीकत कहते हैं वो ऐतिहासिक है और व्यापारियों के लिए तो विशेष रूप से ऐतिहासिक है। तो ये लखनऊ शहर के व्यापारी हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे जो सरकार ने बजट पेश किया है किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, हम लोग आपके आने से पहले बजट को सुन रहे थे। हम लोगों ने सोचा शायद बजट में हमारे सुनने में कमी रह गई, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मिला होगा। फिर हमने गूगल पे सर्च करा, आज के प्रस्तुत बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी शब्द का जिक्र ही नहीं किया है। बड़ा खेद है। आप देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे, स्टाफ को दिखाएं, हम कितने लोगों का भरण पोषण करते हैं, हम कितने लोगों का रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। क्या एक छत के नीचे एक साथ इतने लोगों का घर चलाना, ये हमारे सहयोगी हैं। योगी सरकार का पिछला बजट था उसमें तो व्यापारियों का खास ख्याल रखा गया था। देखिए, आज इसी से तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर हमको पहले मिला और हमने पाया, परंतु इस बार शायद भूल गए हैं। और हम आशा करते हैं कि वो जरूर जो पूरक बजट होगा उसमें उन चीज़ों का समावेश कर लेंगे और हमको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजधानी लखनऊ के व्यापारी वर्ग हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है इसमें कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के कुछ व्यापारी वर्ग के लिए कुछ खास ख्याल नहीं रखा गया, इसे व्यापारी वर्ग के अंदर काफ़ी निराशा भी है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज़ लखनऊ।